Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our today lecture of management information system, we will discuss about management information system, what is that, and also we will discuss the different challenges which our department face and management information system as a solution. So let's start our lecture. First of all, we will discuss किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें कौन से फंक्शनल एरिया काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट होते हैं. कंपनी मोस्टली ऑर्गेनाइज होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट फंक्शनल एरियाज भी कहते हैं. डिफरेंट टाइम के फंक्शन या फंक्शनल एरिया डिपार्टमेंट होता है कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में. उनमें से एक अकाउंटिंग फंक्शन होता है, मार्केटिंग फंक्शन हो रहा होता है, ये डिपार्टमेंट का भी नाम दे सकते हैं. सेल्स फंक्शन हो रहा होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट फंक्शन हो रहा था, फाइनेंस डिपार्टमेंट उधर परफॉर्म हो रहे होते हैं. इसमें आपका ऑपरेशन का फंक्शन आ रहा है, एक्टिविटीज को फॉर्म कर देती होती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के. अगर डिपार्टमेंट को ड्रॉप करें डायग्राम की शक्ल में, तो हम कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, सेल का डिपार्टमेंट कौन देखता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है. डिपार्टमेंट्स क्या है इन अ कंपनी, ये डिपार्टमेंट का जो एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है फंक्शनल एरिया. डिफरेंट डिपार्टमेंट या फंक्शनल एरिया और उसमें जो काम कर रहे होते हैं, अब इनके फंक्शन क्या है, कौन से परफॉर्म कर रहे होते हैं. अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन ये होता है कि रिकॉर्ड कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है और रिपोर्ट कर रहा होता है डिफरेंट मॉनिटरी यानी पैसा से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको अकाउंटिंग सिस्टम डील कर रहा होता है. इस बेसिकली रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है एंड रिपोर्ट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन मतलब मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करें, फाइनेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के फाइनेंशियल इशू को डील कर रहा होता है. लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इशू में आपकी इन्वेस्टमेंट आ गई, आपकी बैंकिंग से रिलेटेड आ गई, मनी से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं और ऐसे वगैरह को डील कर रहा होता है. बैंकिंग, क्रेडिट, मनी, एसेट्स को डील कर रहा होता है. एचआर डिपार्टमेंट की फंक्शन की बात करें या एक्टिविटीज की बात करें, एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज को डील कर रहा होता है, उनके लिए पॉलिसी प्रोसीजर्स ये सारा एचआर मैनेजर डील कर रहा होता है, एचआर डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है. पॉलिसी, रेगुलेशन रिलेटेड एम्प्लॉयज, सेल डिपार्टमेंट के सेल्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के. ऑपरेशनल डिपार्टमेंट मिलकर ये तमाम एक्टिविटीज को मिलकर कर रहा होता है, जो बेसिकली आपके रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहा होती है आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज में. मार्केटिंग फंक्शन बेसिकली ये सपोर्ट फंक्शन होता है सेल्स डिपार्टमेंट का, सेल्स के फंक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है बस प्लानिंग के थ्रू प्रमोटिंग उसके लिए प्राइसेस डिसाइड करते हुए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में. बेसिकली सपोर्ट फंक्शन है ऑफ सेल्स बाय प्राइसिंग प्रमोटिंग एडवर्टाइजिंग.
different department different activities perform कर रहा है, मतलब किसी भी organization में हर department जो अपनी specific activities perform कर रहा होता है, इसका अपना काम basically obviously अपन marketing department की बात करें तो मतलब इनके basically किसी भी company से related जो अपने customer से related है ना, maintain कर रहे होते हैं customer को, इनका basically focus क्या होता है कि customer related information maintain करें, तो ये data transaction related data maintain कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनका बेसिकली फोकस ये मैनेज कर रहे होते हैं कंपनी के रिसोर्सेज को और ये मॉनिटरी डाटा मेंटेन कर रहे होते हैं, ये मॉनिटरी डाटा मेंटेन करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट का बेसिकली मेजर फोकस होता है एज ए एम्प्लॉयज को डील करना है, एम्प्लॉयज को मैनेज, उनकी हायरिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है, तो ये ट्रेनिंग डाटा मेंटेन करता है, एम्प्लॉयी डाटा भी मेंटेन कर रहा होता है, ये ट्रांजेक्शन डाटा मेंटेन करते हैं और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, ये किसी भी इसका बेसिक फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे होता है, तो ये प्रोडक्शन डाटा मेंटेन करता है। हर डिपार्टमेंट का फोकस डिफरेंट है, डिफरेंट डाटा मेंटेन कर रहा होता है, मतलब आपने आपने फोकस सबका डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि उनका फोकस है मॉनिटर, आपने कंपनी के रिसोर्सेज को मैनेज करना, इनका कस्टमर के, इनका मार्केटिंग और सेल्स का रहता है कि कस्टमर को, कस्टमर तक हमें गुड्स डिलीवर करना इनका फोकस होता है, ये जो अंडरस्टैंड डाटा मेंटेन करते हैं। हर डिपार्टमेंट का हमेशा डिफरेंट फोकस है और डाटा भी डिफरेंटली मेंटेन कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स का, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंटली ऑपरेट करेंगे, इनके फंक्शन चाहे डिफरेंट है लेकिन हमेशा ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अगर इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया तो ये कंपनी, मतलब कंपनी का एक्टिविटीज सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, अगर जब तक इनमें तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव नहीं है, गोल्स हम तो अचीव नहीं कर पाएंगे, बेसिकली इनको इंडिपेंडेंटली काम, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करना पड़ता है। बिजनेस अगर हम बात करें कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर क्या अफेक्ट होता है, अगर कोई डिसीजन होता है या कोई भी चीज़ होती है, एक मोस्टली एक डिपार्टमेंट का जो डिसीजन होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट कर रहा होता है, उस पर इम्पैक्ट रख रहा होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम यूज करेंगे, सपोज मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसे अपने कस्टमर के लिए प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज बनानी है, तो उसे डाटा रिक्वायर्ड होगा सेल्स डिपार्टमेंट से और ऑपरेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनके उनके डाटा को यूज करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएगा। अगर ऑपरेशन वाला को डाटा, मतलब आपने पॉलिसीज बनानी है या फोकस करना है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डिटरमाइन करना है, तो उन्हें सेल्स की फोरकास्ट रिक्वायर्ड होगी। सेल वालों ने जो पॉलिसीज बनानी है, उन्होंने अपनी काम करना है, सेल वालों ने अपनी आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्डर कितने हैं, कंपनी की इन्वेंट्री कितनी है, तो उन्हें ऑपरेशन वालों से डाटा रिक्वायर्ड होगा और एचआर वालों को भी रिक्वायर्ड होगा, हमने इन तमाम डिपार्टमेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस को भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बजटिंग करनी है, अपना इन्होंने अपने लिए करना है कि किसी भी प्रॉपर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें एक्सपेंसिस वगैरह आएंगे, तो सबको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी डाटा रिक्वायर्ड होगा, तो हम कहते हैं तमाम फंक्शन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तमाम डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू काम करना पड़ेगा, ताकि प्रोसेस को कंटिन्यूसली रन किया जा सके और जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव किया जा सके। जैसे मैं पहले बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की आपस में इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी की सक्सेस के लिए, क्योंकि अगर आप अपने इंटीग्रेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, हर डिपार्टमेंट अपने अलग से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा और वो कॉमन गोल जो बिजनेस अचीव करना चाह रहा है उसकी तरफ काम नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसलिए बेसिकली उनकी इंटीग्रेशन होना बहुत जरूरी है। कितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज है या बिजनेस है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें क्रॉस फंक्शनल होती है, यानी क्रॉस फंक्शनली वो काम कर रहे होते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं या फंक्शन ले रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपस में इंटीग्रेट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का इंटीग्रेट होता है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि वो क्या चीज़ है जो किसी भी डिपार्टमेंट को, मतलब किसके थ्रू हम डिपार्टमेंट में इंटीग्रेशन करा सकते हैं या क्रॉस फंक्शनल कैसे पॉसिबल है। सिस्टम, हमने कहा सिस्टम बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटीग्रेशन के लिए या क्रॉस फंक्शन के लिए सिस्टम यूज कर रहे होते हैं।
ये हाथ तो उसका रहा होता है, तो क्रॉस सेक्शनल के लिए हाथ तो उसका रहा होता है। इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के उनको आपस में इंटीग्रेशन में हाथ तो उसका रहा होता है। ये प्राइमरी अनेबलर होता है किसी भी फंक्शन की ऑर्गेनाइजेशन में क्रॉस सेक्शनल के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो सिस्टम को डिफाइन करें, हमने कहा बेसिकली सिस्टम क्या होता है, एक लिंक होता है। सिस्टम इज बेसिक कलेक्शन ऑफ पार्ट होता है जो लिंक कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को टू जॉइन कॉमन ऑब्जेक्टिव। Collection of art that link different organization, different functions, in department कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सिस्टम तमाम डिपार्टमेंट में क्रॉस फंक्शन करा होता है। सिस्टम कैसे काम करता है, आपस में कंफर जो डिपार्टमेंट होते हैं एरिया होता है उनको कैसे वर्क आउट कराता है उन हमने को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बेसिकली एक डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने बात की ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही होती है, गुड्स बना रही होती है, सर्विसेज बना रही होती है, तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड सर्विसेज, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। गुड्स बेसिकली मटीरियल आइटम होती हैं या प्रोडक्ट होती हैं जो कस्टमर बाय करता है और अपनी नीड्स या वांट को सेटिस्फाई कर रहा होता है। दीज आर द बेसिकली मटीरियल आइटम या कहते हैं कि ये प्रोडक्ट होती है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी बेसिक नेसेसिटीज जितने भी फिजिकल आइटम्स है जो हम कर रहे हैं, जिसमें कार आ गया, आपके क्लोथ्स आ गए, फूड आ गए जो आप ऑब्टेन करते हो, ग्रोसरी की चीज़ें आ गई, जितनी भी तमाम चीज़ें ये प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। आपके क्लोथ्स इसमें आ गए, कार, फूड, आप ग्रोसरी की बाय करते हो, अपने पैसे देते हो और चीज़ें खरीदते हो, यू हैव समथिंग इन पोजेशन कि आपको अगर एक्चुअली में कुछ चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं आपने गेन्स का मनी ये चीज़ खरीदी है। अगर सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज बेसिकली टास्क होते हैं, टास्क होते हैं जो कोई भी जिसको ऑब्टेन किया जाता है, जिसको प्रस्टिगेट कंपनी ये सर्विसेज बेसिकली टचेबल नहीं होते हैं, सीन नहीं होते हैं, फेस आइड नहीं कर सकते आप, ये तो मटेरियल आइटम ही होती है। इसको बेसिकली कंपनी क्या करती है, कोई भी अनसीन क्या है आप इसमें सर्विसेज आर बेसिकली टास्क दैट पीपल परफॉर्म कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड कस्टमर उनके इनके लिए पे करते हैं, उनको बाय करते हैं। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, हमें आप हॉस्पिटल में जाते हो और वहाँ पर तो फिजिकल सीन नहीं लेके आ रहे होते, आप फी पे करते हो तो उसमें डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है जिसके अगेंस्ट आप पैसे दे कर रहे होते हो। लॉयर की बात करें तो लॉयर में फिजिकल सर्विस नहीं दे रहा, फिजिकल चीज़ नहीं दे रहा होता, वो भी हमें टास्क प्रोवाइड कर रहा है, उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। टीचिंग स्टाफ की बात करें, आप किसी स्कूल में जाते हो तो आप वहाँ कुछ सीख के आते हो, टीचर्स ने आपने पढ़ाया, फिजिकली आप कुछ नहीं दिया, आपने उससे लर्न किया, उसने टीचर ने टास्क परफॉर्म किया, आपने उससे लर्न किया, उसके अगेंस्ट फी पे कर दिया। तो ये तमाम सर्विसेज के एग्जाम्पल्स हैं, आप हॉस्पिटल्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं, हॉस्पिटल टीचिंग लॉयर वगैरह। एक और डिफरेंस क्या होता है, गुड्स बेसिकली फिजिकल थिंग होती है, आप पैसे देते हो आपको एक्चुअल फिजिकल कुछ चीज़ मिल जाती है। बहुत हम दुकान पे गए, हम लेस खरीदने गए, तो उसके पैसे दिए, 50 का पैकेट मैंने कि उसने लेस देते पैकेट दे दिया, एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ चीज़ होती है, कहते हैं कि लोग हम ये खरीद कर लाए,
70s में फिजिकली आपको कुछ नहीं मिलता होता, टीचर आपको कोई जो पढ़ा रहा होता है वो फिजिकली नहीं दे रहा होता, क्योंकि आप किसी को दिखा नहीं सकते। सब गुड्स होती हैं, इसमें एक्चुअल पोजेशंस होती हैं। यू हैव समथिंग इन पोजेशन गुड्स में। Do not have something physically. So goods को आप sell कर सकते हो, because bank is touch it, ये fungible नहीं होती हैं। goods को store किया जा सकता है, ले सक करके लेके आओ, घर में रख लो, स्टोर करो, जब दिल का खा लिया, स्टोरेबल होती हैं ये। सबसे तो स्टोर नहीं कर सकते, टीचर कहते टीचर कि आप रुक जाओ मैं इसको स्टोर कर लूँ, आप पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि टीचर भी सबसे थोड़ी देर के लिए रख दी फिर शुरू कर लिया, जैसे गुड्स में होता है कि प्रोडक्ट लिए आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हो, सब चीज़ में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं, ये मेन जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दूँ कि गुड्स और सर्विसेज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस की तरफ जाते हैं, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे काम कर रहा होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, प्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोसेस होता है इन विच रिसोर्सेज कह सकते हैं आप या रॉ मटेरियल यू कैन से इनपुट, इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू आउटपुट, दैट इज प्रोडक्ट। आउटपुट क्या हो सकता है, या तो आपको कोई गुड मिलेगी या वो सर्विसेज होगी। हॉस्पिटल में जाएंगे, आपने डॉक्टर के साथ गए, आपने फी पे की, डॉक्टर ने आपको चेकअप किया, एंड एंड ऑफ जब सारा प्रोसेस गुजर गया उसने आपको ये कोई भी नुस्खा दे दी, ये मेडिसिन आपने यूज करनी है, वो पूरा प्रोसेस हमने का प्रोडक्शन प्रोसेस है। अगर यही मैंने सच्ची कंपनी की बात करें तो उनका शू मेकिंग, जूते बनाने का, उन्होंने रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया, मशीन वगैरह यूज़ की, लेबर यूज़ की, कैपिटल यूज़ किया, वो तमाम चीज़ें यूज करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे शू बना दिया, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मैन। तो प्रोडक्शन क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली आपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा होता है। आपके पास इनपुट होता है किसी भी फॉर्म में होता है, अगर बर्गर की एग्जाम्पल लें, आप बर्गर खरीदने गए, उसके पास क्या इनपुट होगा किसी भी बर्गर वाले के पास, उसके पास बन होते हैं, पैटीज होती हैं, उसके पास केचप होती है, ये तमाम हमें सपोजी उसके पास रॉ मटेरियल है, उसने ट्रांसफॉर्म किया इनको या प्रोसेस किया। प्रोसेस मीन उसने बन को कट किया, उनको पैटीज को फ्राई वगैरह किया, इंग्रेडिएंट्स वगैरह केचप डाले, इंग्रेडिएंट डाले वो सारा, और एट द एंड आपके पास क्या आ गया आउटपुट, जो कि आपके पास किसकी शक्ल में आ गया, बर्गर की शक्ल में। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करी कोई ऑर्गेनाइजेशन, या चाहे वो मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आपको कोई प्रोडक्ट या गुड्स वगैरह दे रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इनपुट के थ्रू आपने इन होती है अपने किसी भी काम में, अपने प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और आउटपुट की शक्ल में उनके पास आउटकम वापस आ जाता है। ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर बिजनेस जैसे मैंने बर्गर की एग्जांपल ली, इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर करता है, अगर कोई भी बिजनेस, अगर सिंपल बर्गर वाले की जो हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर वो अपने जो अवेलेबल इनपुट है यानी बर्गर, उसके पास रॉ मटेरियल से ज़्यादा बर्गर बना सके, सस्ता मटेरियल इंग्रीडियंट यूज़ कर सके, कैसे सस्ते यूज़ कर सकते, वो या तो अपने ज़्यादा बर्गर बना सकेगा, या अगर सेम अच्छी क्वालिटी के यूज़ करके ज़्यादा बर्गर बना सके, तो हमें इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देगी, लोग उसके साथ उसके बर्गर को पसंद करेंगे और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसकी जिससे प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा।
जो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट की एग्जांपल्स ले रहे थे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की, एचआर डिपार्टमेंट की, उनकी तमाम डिपार्टमेंट बेसिकली आपने कोऑर्डिनेशन करने का मतलब ये कि अपनी इन्फॉर्मेशन एक जैसे इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए हर डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। हमने कहा हमारे पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारे पास, एचआरएम डिपार्टमेंट है हमारे पास, सेल डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग था और ऑपरेशन डिपार्टमेंट था। एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि वो काम कर सके अपना। इसी तरह अगर बिजनेस में आपको एक्सेप्टिव डिसीजन लेने हैं, बिजनेस डिसीजन करने हैं, तो जो मैनेजर होगा या कंपनी के जो भी ओनर होंगे, सीईओ होंगे, उसको तमाम डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, तमाम डिपार्टमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेशन लेने होंगे, इंटीग्रेट कर रहे होंगे, क्रॉस फंक्शनल परफॉर्म हो रहा होगा। हमने कहा ये जो तमाम डिपार्टमेंट होंगे अल्टीमेटली उस मैनेजर को या एग्जीक्यूटिव को हेल्प आउट करेंगे बिजनेस डिसीजन में, जो अल्टीमेटली उस बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगी, उसकी कॉल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगी। लेकिन अगर इन डिपार्टमेंट का आपस में इंटरेक्शन नहीं है, ये दूसरे को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या कंसर्न ही नहीं करते दूसरे इन्फॉर्मेशन यूज करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करें, हमने कहा अल्टीमेटली बिजनेस यहाँ गलत हो जाएगा, जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस की तरफ ले जाएगा। एक टर्म हम यूज करते हैं सिस्टम थिंकिंग। हमने आगे बात की कि किसी भी डिपार्टमेंट को आप अपने कनेक्ट करने के लिए या क्रॉस फंक्शन के लिए सिस्टम की जरूरत होती है। सिस्टम बेसिकली प्राइमरी नेटवर्क होता है जो तमाम डिपार्टमेंट को आपस में लिंक कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। सिस्टम थिंकिंग बेसिकली क्या है, ये एक इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहते हैं इट इज अ वे ऑफ मल्टीपल इनपुट्स होते हैं हमारे पास, जैसे बर्गर की एग्जांपल ली थी, बन भी थे, पैटिस भी थी, कैसे भी थी, मल्टीपल इनपुट्स थे उसके पास, उसको कन्वर्ट करता है, प्रोसेस करता है या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टू प्रोडक्ट एंड कंटिन्यूसली फीडबैक प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि हर स्टेप पे तुम्हें फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा होता है। तो बेसिक पर्पज ये होता है कि अगर कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत प्रोसेस हो गई है, गलत पासऑन हो गई है, तो फीडबैक की वजह से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते, चेंज कर सकते, उसको चेंज किया जा सकता है। सिस्टम थिंकिंग की अगर बेस्ट एग्जाम्पल हम कार से ले सकते हैं। सिस्टम हमने क्या कहा था, तमाम एक्टिविटीज को आपस में लिंक भी कर रहा होता है, सिस्टम बेसिकली लिंक कर रहा होता है तमाम एक्टिविटीज को आपस में। कार के अगर एग्जाम्पल की बात करें, मतलब कार का जो सिस्टम है, अगर कोई एक पार्ट गलत काम करना स्टार्ट कर देता है, जैसे अमेरिका उसका एक्सीलेटर गलत काम कर रहा है, तो पूरी कार का सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरी कार काम नहीं कर पाएगी, अच्छे डाल दो। हमने कहा इसी तरह सिस्टम क्या करता है, तमाम एक्टिविटीज को अपने आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ताकि अपने जो फंक्शन है वो परफॉर्म अच्छे डाल परफॉर्म किया जा सके। इसका बेसिकली पर्पज क्या होता है,
बेसिकली सिस्टम थिंकिंग का बेसिकली अगर इसकी बात करें सिस्टम का, तो इसमें वो तमाम एक्टिविटीज को आपस में कोऑर्डिनेट कराना होता है, ताकि प्रोडक्शन या सर्विसेज को आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बनानी है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको अटेन किया जा सके, बेसिक ऑब्जेक्टिव उसको प्रोवाइड करना होता है। अगर सिस्टम थिंकिंग को हम एक डायग्राम से समझे तो हम कहते हैं कि इनपुट है, इनपुट में क्या किया, डाटा एंटर कर दिया आपने, प्रोसेस प्रोसेस परफॉर्म होगा, प्रोसेस में क्या होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करेगा, यूज करता है डाटा को, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट जनरेट करता है। यहाँ पे फीडबैक हर स्टेप पर परफॉर्म होना होता है, मिसाले पहले ये एवरी स्टेप पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। फीडबैक का बेसिकली पर्पज कंट्रोलिंग फंक्शन को मॉनिटर करना होता है, कंट्रोल करना होता है। फीडबैक हर स्टेप पे परफॉर्म हो रहा था जो उसकी एक्टिविटीज को एफिशिएंसी को किसी भी फंक्शन के इंक्रीज कर देगा। और बेसिकली अगर बात करें सिस्टम थिंकिंग व्यू प्रोवाइड करता है एक्टिविटीज कैसे ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। सिस्टम थिंकिंग ने क्या प्रोवाइड किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, इनपुट से स्टार्ट किया आउटपुट तक ले गया, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम हो रहा है, ये तमाम एक्टिविटीज एक्सप्लेन कर रहा है, उसके साथ एक्शन भी लिए जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और उसके बारे में बताएंगे। अब डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे बिजनेस के दूसरे फंक्शन है, अकाउंटिंग हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, ये भी बिजनेस के दूसरे फंक्शन की तरह ही एक फंक्शन होता है। ये क्या काम परफॉर्म कर रहा होता है, ये इन्फॉर्मेशन मूव कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर रहा होता है, बोलो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन को मूव कर रहा होता है सारी ऑर्गेनाइजेशन में। किस चीज में हेल्प आउट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था कि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपरली हो सके, दूसरा प्रॉब्लम को बेटर तरीके से सॉल्व किया जा सके। इन्फॉर्मेशन मूव करता है, जैसे इसके नाम में जाता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो इन्फॉर्मेशन मूव करता है अबाउट पीपल प्रोडक्ट प्रोसेस अक्रॉस द कंपनी, क्रॉस फंक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहा होता है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये कैसे काम करता है, ये इनकॉर्पोरेट करता है सिस्टम थिंकिंग के साथ। अभी हमने पहले डिस्कस किया सिस्टम थिंकिंग बेसिकली क्या काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा होता है, जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर कर रही होती है और फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। एमआई सिस्टम थिंकिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करके कंपनी के क्रॉस फंक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है, इनकॉर्पोरेट करते हैं सिस्टम थिंकिंग के साथ। और इंफॉर्मेशन मूव हो रही होती है, इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट से एक फंक्शनल एरिया से दूसरे फंक्शनल एरिया में एमआईएस के थ्रू मूव हो रही होती है। एग्जांपल की अगर हम इसकी बात करें तो मेकअप स्पोर्ट एक कस्टमर आया, उसने ऑर्डर पास किया, उसने कहा कि उसने किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दिया, तो एमआईएस क्या करेगा, ये बेसिकली तमाम इन्फॉर्मेशन एमआईएस शेयर जनरेट करेगा, सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जितने भी रिलेटिंग
फंक्शनल एकदम सबको इन्फॉर्मेशन भेज देगा, जिसमें आपका सेल डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, आपका बिलिंग डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, पैकिंग का डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, ऑर्डर प्रोसेस डिपार्टमेंट भी आ जाएगा, और लास्ट कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट भी आ जाएगा। ये उन तमाम डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो भेज देगा। कस्टमर के लिए तो बेसिकली वो एक सिंपल सेल का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे पूरे डिपार्टमेंट का फंक्शनल एरिया जो किसी एक सेल की एक सेल के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो इसमें अफेक्ट आ रहे होंगे। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात की, किसी भी कंपनी की सक्सेस या इनोवेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, लेकिन हमने कहा कि इसका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव होगा जब लोग टैलेंटेड लोग या वो लोग जो जानते हैं जिसको कैसे मैनेज करना है वो उसको इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होंगे, तो तभी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उनकी कंपनी की कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा या इंक्रीज करेगा। क्योंकि इसको हैंडल करने के लिए लोग रिक्वायर होते हैं, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन में MS डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट नाम से हो सकते हैं। कुछ जगहों पर इसको मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ही नाम लिया जाता है डिपार्टमेंट का, कुछ लोग इसको IT डिपार्टमेंट यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, कुछ जहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। ये था इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है और क्या नाम दिया जा सकता है इसको। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन मैथ, थैंक यू सो मच।